नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून की 15 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज की सरसों बाजार की अपडेट देने से पहले, आज जो गुजरात के जो तट की तरफ बिप्रजोय नामक तूफान बढ़ रहा है, उसको लेकर के चिंता बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ से कांडला बंदरगाह जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और उसके आसपास की एक दो और छोटी बंदरगाहें भी चपेट में आ सकती हैं। कांडला बंदरगाह पर पिछले 3 दिन से कारोबार बंद है और आप इस तूफान से कितना नुकसान उससे हो सकता है उस बंदरगाह को, और कितने दिन आगे काम बाधित रह सकता है, ये सब चीज़ें देखने वाली बात है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा केंद्र है जहां से व्यापार संचालित होता है। सरसों बाजार की अपडेट देने से पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। बाजार 20-25 रुपए जयपुर टूटा है, दिल्ली बाजार 50 रुपए तक टूटा है, लेकिन भरतपुर के भाव में 15 रुपए तक का सुधार देखने को मिला है। सलोनी प्लांट में भी 25 रुपए की गिरावट आई है और दूसरे बाजारों में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। ऐसे लग रहा है कि ये जो बंदरगाह को नुकसान हो रहा है उससे कुछ खाद्य तेलों में तेजी बन रही है, जैसे पाम तेल में, सोया तेल में, सूरजमुखी तेल में। इन तेलों में तेजी बनने के कारण थोड़ा सा सरसों को सपोर्ट मिलने की संभावना है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर सरसों में एक थोड़ा बहुत और सुधार देखने को मिल सकता है। और जो आपका सरसों तेल का जो बाजार है, सरसों तेल के बाजार में भी कुछ सुधार होने की संभावना बनेगी, और सरसों तेल का सुधार बनेगा तभी सरसों में सुधार आएगा। नरमा कपास के बाजार में अभी कोई परिवर्तन नहीं है, बाजार वही 7300, 7250, 7300, 7350 के आसपास कारोबार कर रहा है और इसमें अब तेजी की संभावना नहीं है। हालांकि बिनौला तेल में तेजी बनती जा रही है, क्योंकि बिनौला तेल जो मूंगफली तेल है उसमें बड़ी अच्छी तेजी बनी हुई है, उसके कारण ही बिनौला तेल में तेजी है, क्योंकि मूंगफली तेल का विकल्प बिनौला तेल भी हो सकता है। जो मतलब मूंगफली तेल नहीं खरीद सकते वो फिर बाद में बिनौला तेल की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए बिनौला तेल के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आज भी देखने को मिला है और मूंगफली का तेल भी आज और तेज हुआ है। आज कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है कल से 15 रुपये अधिक, 4915, जयपुर 5225, दिल्ली 4900, चरखी दादरी 4850, सलोनी 5625, सुमेरपुर 4900, नागौर 4800, गंगापुर 4900, ग्वालियर 4800, अलीगढ़ 4650, खेरली मंडी 4960, अलवर 5000 रुपये, खैरथल 4950, बारामंडी 4650, नड़बई 4915, आदमपुर 4820, नोहर 4770, सिरसा 4706, एलनाबाद 4651, बरवाला 4800 रुपये, हिसार 4750 रुपये। आज इलाहाबाद में नरमा बिका है 7250, सिरसा में 7321, रावतसर में 7300 रुपये और आदमपुर में 7290। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।